हाय एवरीवन, आज हम करने वाले हैं ITDABB इंदौर का फुल कैंपस टूर। जब आप ITDABB भी आओगे तो आपको लेफ्ट साइड में देखने मिल जाता है खंडवा नाका और आपको राइट साइड में देखने मिल जाता है ITPark और इधर ही पड़ता है हमारा भबरकुआ। तो चलिए अब हम चलते हैं कैंपस के अंदर। इस तरीके का आपको कुछ कैंपस देखने मिल रहा होगा, काफ़ी हरियाली है और पास में ही आपको मिल जाता है भोलेनाथ का मंदिर, जहाँ पर हम एग्ज़ाम से पहले आ रहे होते हैं, तो आप समझ ही गए होंगे। तो इस तरीके का आपको कैंपस देखने मिल रहा होगा। तो जैसे ही आप गेट पर आओगे आपको दिख जाएंगे यहाँ पर कॉलेज गार्ड, तो इनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। तो हेलो सर। हाँ बोलिए सर। जी बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया सर जी। राम राम सर। राम राम सर जी। जी बहुत अच्छे गार्ड हैं, आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने कैंपस के अंदर। आज NDA का पेपर है और संडे है, तो आपको ये थोड़ा ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही होगी। आपको काफ़ी सारे जानवर मिल जाएंगे, जैसे मोर हो गया, वो तो फिरता ही रहता है, ऐसे ख़तरनाक जानवर नहीं मिलेंगे। तो चलिए, बहुत अच्छा कैंपस आपको देखने मिल रहा होगा। अभी हरियाली भी काफ़ी है क्योंकि बरसात का टाइम है। और ये हमारा इस साइड पड़ जाता है गर्ल्स हॉस्टल, तो ये आपके गर्ल्स हॉस्टल का रास्ता है। और आपको यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में देखने मिल जाती है IT बिल्डिंग। जो भी IT ब्रांच वाले हैं वो फर्स्ट ईयर में तो यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सेकंड ईयर से आप लोग यहीं पर पढ़ रहे होंगे। मिल जाती हैं कुछ कलाकृतियाँ जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स ने बनाई हैं, आप लोग भी आओगे तो जिसको बनाना आता है वो ट्राई कर सकता है। रात होती है तो थोड़ा यहाँ पर डर भी लगता है क्योंकि ज़्यादा जनता आपको देखने नहीं मिलती। और बता दूँ कि ये DABB यूनिवर्सिटी का एक इंटीग्रेटेड कैंपस है, और भी कई सारे देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी के कई सारे कैंपसेस हैं, तो ज़्यादातर लोग इसी को DABB मान लेते हैं। तो ये DABB नहीं है, यहाँ पर केवल इंजीनियरिंग वाला डिपार्टमेंट है, आप लोग कन्फ्यूज मत होना। तो अब हम आ जाते हैं अपने ए ब्लॉक के पास। आपको ये देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी का पोस्टर दिख रहा होगा और इधर IT कर्मचारी आवास है, यहाँ पे जो भी फैकल्टीज़ हैं वो रहती हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं। ये मैंने आपको स्विमिंग पूल भी एक ब्लॉग में बताया है, यहाँ पर इंसानों के अलावा सब नहाते हैं, तो इस तरीके का आपको देखने मिल रहा होगा। और ये हमारा ए ब्लॉक है, मैकेनिकल ब्लॉक, और ये आपको पास में ही मिल जाता है गार्डन जो कि काफ़ी सुंदर है। इसके अंदर बैठने तो नहीं देते, बस देखने के लिए ही है। तो ये हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जहाँ पर हमने फर्स्ट ईयर पढ़ा था और अभी ब्रांच चेंज हो गई है तो हम उधर चले गए हैं। तो चलिए थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं।
तो चलिए अब हम चलते हैं अपने बी ब्लॉक की तरफ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आप यहाँ पर बैठ सकते हो, घूम सकते हो, काफ़ी अच्छा माहौल देखने मिल जाता है। तो अब हम आ गए हैं अपनी पुरानी लाइब्रेरी के पास। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी पुरानी लाइब्रेरी है और अभी हमारी नई लाइब्रेरी, वो बिल्डिंग आपको दिख रही है सामने, उसमें बन गई है। वो हम आपको सामने से चलते हुए दिखा देंगे। यहाँ पर पहले आपको ओनली बुक्स ही मिलती थी, लेकिन वहाँ पर आप बैठकर भी पढ़ सकते हो। काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है, अभी वो न्यू ओपन हुई है। तो चलिए अब दिखाते हैं हम अपनी नई लाइब्रेरी। तो ये है हमारी न्यू लाइब्रेरी की बिल्डिंग। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है। अभी शायद इसमें ताला लगा है क्योंकि आज संडे है, और जब भी खुलेगा तो इसका भी एक अलग से ब्लॉक बना देंगे। वैसे भी बहुत बड़ा हो जाएगा, इसका हम अलग से एक ब्लॉक बना देंगे। आप देख सकते हैं ये हमारी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, काफ़ी अच्छी है। आप यहाँ पर आके पढ़ भी सकते हो, आपको सब चीज़ों की सुविधाएँ मिल जाएंगी, बुक्स, वाईफाई हो गया, और बहुत बढ़िया माहौल यहाँ का रहता है। तो आप देख सकते हैं इसका अलग से हम लोग एक ब्लॉक शूट कर लेंगे। तो ये है हमारा इंटरनल कम्बशन इंजन लैब। तो जैसे ही हम आगे आते हैं, आगे हमें दिखती है मैकेनिकल वर्कशॉप। जो भी मैकेनिकल वाले होंगे, वैसे तो फर्स्ट ईयर के अंदर सभी लोगों को वर्कशॉप रहती है, आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लेकिन जो मैकेनिकल वाले हैं वो इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। आप लोग आओगे अगर मैकेनिकल ब्रांच से हो तो आप लोग भी इसमें काम करोगे। और इसके बाद आ जाता है हमारा ई ब्लॉक, और यहाँ पे कोई सा ब्लॉक बनने का चल रहा था, सिविल इंजीनियरिंग का ब्लॉक, इसलिए शायद ये जगह आपको खाली दिख रही होगी। यहाँ पे हो सकता है कि आगे चल के आपको कोई बिल्डिंग देखने मिल जाए। तो चलिए चलते हैं हम अपने ई ब्लॉक की तरफ। और ई ब्लॉक के अंदर आपको सिविल और E&I की क्लासेस आपको देखने मिल जाती हैं। तो ऐसा आपको ई ब्लॉक देखने मिल जाता है। अभी न्यू बिल्डिंग है तो काफ़ी अच्छा आपको ठीक ठाक देखने मिल रही होगी। तो चलिए थोड़ा सा चलते हैं अंदर। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अपने हॉस्टल्स को। तो आपको यहाँ पर विक्रम सारावाही छात्र छात्रावास देखने मिल जाएगा। ये अभी फोर्थ ईयर वालों का है और काफ़ी अच्छा है, न्यू बना है, लगभग 7 करोड़ का बना हुआ है। आपको सिंगल रूम्स इसमें देखने मिल रहे होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे हॉस्टल्स की तरफ। और यहीं पर हमें देखने मिल जाता है सत्येंद्र नाथ बोस छात्र छात्रावास, ये अभी थर्ड ईयर वालों का है। और ये है विश्वेश्वरैया छात्र छात्रावास, जो कि आप लोग अभी आओगे 2023 बैच, तो फर्स्ट ईयर वालों को अलॉट हो रहा होगा। और यहीं पर आपको देखने मिल जाता है हमारा वी हॉस्टल रामानुजन छात्र छात्रावास, जिसमें अभी हम लोग रहते हैं। और पास में ही आपको देखने मिल जाता है हॉस्टल मेस, आपको ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता। और यहीं पर है हमारा कैंटीन, आप यहीं पर कुछ भी सामान ले सकते हो। तो आपको सब कुछ पास में ही देखने मिल जाता है, ऐसी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने डी ब्लॉक की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक्स भवन। तो ये इसमें हमारी ENTC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन ब्रांच की क्लासेस लगती हैं। अगर आप भी होगे तो आपकी इसी में क्लासेस लग रही होंगे। और सामने ही दिख जाता है आपको एक सुंदर सा बगीचा, जिसमें आप लंच के टाइम पर बैठ रहे होगे। और इसके अंदर आपको काफ़ी सारे पेड़ देखने मिल जाते हैं, लाइक आम हो गया, बेर हो गए, और काफ़ी सारे फल फ्रूट्स लगते रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा रहता है और लगते भी हैं, आप खा भी सकते हो जब लगे। तो ऐसा आपको ENTC भवन देखने मिल रहा होगा। तो चलिए यहाँ पर हमें कुछ IIT DABB के स्टूडेंट्स मिल गए, इनसे कुछ बात कर लेते हैं। शुभांशु श्रीवास्तव, अनुराग राजपूत, पूर्वांशी गर्ग, संसिधि शुक्ला, मुस्कान अहरवाल। तो ये किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो थोड़ा बता सकते हो क्या? एक फंक्शन होने वाला है, उसके लिए हम परफॉर्मेंस तैयार कर रहे हैं।
अच्छा, तो अभी काफ़ी सारे फंक्शंस होने वाले हैं, उसमें से कोई सा होगा आपको जल्दी ही अपडेट मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ हमारा ENTC ब्लॉक है, अगर आपने भी ली होगी तो आप यहीं पर पढ़ रहे होगे। और मैंने बता ही दिया था आपको रिव्यू में भी, यहाँ पर ऐसा कोई खास आपको ग्राउंड देखने नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई सा गेम्स खेलना है तो आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको हर चीज़ का ग्राउंड देखने मिल जाएगा। और ये हमारा कैंटीन शायद बंद है, हो सकता है ये बाद में खुल जाए। एक वहाँ पर कैंटीन है और इधर ही आपका ऑडिटोरियम भी है कॉलेज का, जहाँ पर छोटे मोटे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। बड़ा ऑडिटोरियम आपको वहीं पर देखने मिल रहा होगा। और इस बिल्डिंग के सामने ये पूरा लगभग एम ब्लॉक ही है, आपको हम सामने से दिखा रहे होंगे। और ये आपको यहाँ पर जामुन के पेड़ भी देखने मिल जाएंगे, आम के, इनमें काफ़ी सारे फल फ्रूट्स लगते रहते हैं, तो जब टाइम आता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। आप जामुन भी खा सकते हैं यहाँ पर। इमली का पेड़ भी है, इसमें इमली भी लग रही है, आप देख सकते हो। ये ही कॉलेज की मेन बिल्डिंग है, आपको गूगल पे भी जब आप सर्च करोगे तो आपको यही बिल्डिंग देखने मिल रही होगी। और पास में ही है एक बहुत ही अच्छा सा गार्डन, यहाँ पर काफ़ी सारे आपको पेड़ मिल जाएंगे, आम हो गया, जामफल हो गया, और जामफल लगे भी हैं, आप देख सकते हो अंदर। ये थोड़ा दिखा देना, जामफल, काफ़ी सारे जामफल्स भी लग रहे हैं, आप तोड़ कर खा सकते हो। तो ये हमारा कुछ मेन ब्लॉक है, एम ब्लॉक बोलते हैं जिसे। तो आप अंदर से थोड़ा सा देख सकते हो, अभी एग्ज़ाम चल रहा है तो हम आपको ज़्यादा नहीं दिखा सकते, ये नॉर्मल सी क्लिप्स आप देख सकते हो। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने ए ब्लॉक की तरफ, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। आपको पास में ही मिल जाता है हमारा ए ब्लॉक, जिसमें IT वालों की क्लासेस लग रही होंगी। अगर आपकी भी IT ब्रांच है तो आप भी इसमें पढ़ रहे होंगे। तो ऐसा आप देख सकते हैं, अंदर शायद हम नहीं जा सकते क्योंकि अभी NDA का एग्ज़ाम चल रहा है। आई होप कि आपको ये कैंपस टूर पसंद आया होगा, और इस कैंपस टूर को बनाने में हमारी मदद की है मयूर सनोदिया जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरे को ऐसा अपॉर्चुनिटी आपने दिए बनाने के लिए वीडियो, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और काफ़ी मेहनत हुई है, अभी गर्मी का भी टाइम है तो काफ़ी ज़्यादा इस ब्लॉग में मेहनत हो गई है। तो आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, और हमारे कुछ बैचमेट्स भी उसमें शामिल हैं जिन्होंने हमारी मदद की है। हम सभी इकट्ठे जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।